तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्नाटका के बारे में, डिटेल में डिस्कस करके कर्नाटका के सारे स्टैटिक फैक्ट। कर्नाटका की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 इज एस्टैब्लिशमेंट ईयर। कैपिटल इज बैंगलोर, बैंगलोर इज कैपिटल। एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें, लार्जेस्ट सिटी भी आपकी क्या है, बैंगलोर है। एच डी कुमार स्वामी की बात करते हैं, एच डी कुमार स्वामी इज अ चीफ मिनिस्टर। एंड वजुभाई वाला इज अ गवर्नर। ये नाम याद रखिएगा, वजुभाई वाला क्या है भाई, गवर्नर है आपके कर्नाटका के। पहले तो मैं डीएलआर नंबर बता देता हूँ, 30-28-12, मतलब क्या हुआ, 30 डिस्ट्रिक्ट रहे, 28 लोकसभा सीट रही, 12 राज्यसभा सीट रही आपकी कर्नाटका में। अब देखिएगा यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में दिनेश महेश्वरी का नाम, तो याद रखना है कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, दिनेश महेश्वरी है। विधानसभा सीट 224, विधान परिषद 75। अब ये आ गया यहां पर मुद्दे की बात जो बना रहता है, यूनिसेमरल मतलब हो गया हमारा एक सदन और बाइसेमरल मतलब हो गया दो। कैसे, जैसे हम बात करते हैं संसद की बात करते, संसद में लोकसभा आता है, संसद में राज्यसभा आता है, ऐसे ही क्या होता है राज्यों में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद आता है। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही सिलेक्टेड राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कहां कहां पर विधान परिषद है। अब विधानसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं, तो जब कभी भी यहां पर विधान परिषद नहीं होता जिन राज्यों में, वहां लिखा होता है यूनी लिखा होता है, और जहां पर विधानसभा भी है विधान परिषद भी है वहां पर बाय लिखा होता है। आई होप सो समझ में आ रहा है, दोनों ही पक्ष है, बाय मतलब हो गया दोनों है और यूनी मतलब हो गया सिंगल है। अब देखिए विधानसभा सीट यहां पर 224 है और विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है, 75 है भाई कर्नाटका में। ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है, जिन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होता है उस स्टेट का नाम याद रखना, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अभी मैप के थ्रू भी लोकेशन क्लियर करेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। कुछ फेमस यहां पर टेंपल है, गोमतेश्वर टेंपल एंड वीरूपक्षा टेंपल, वीरगिरी रंगनाथ स्वामी टेंपल, ये फेमस टेंपल एंड ऑल आर लोकेटेड इन कर्नाटका। कैगाटोमिक पावर स्टेशन की बात कर ले तो ये भी आपका कहां पर है, ये आपको याद रखना है, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहां तक क्लियर है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे यस सर, 7 राज्य है ना। अभी हम आगे आएंगे, एक अभी उड़ीसा भी जल्दी बनने जा रहा है, बट उड़ीसा की पार्लियामेंट अप्रूवल होगी, उसके बाद ही वहां पर विधान परिषद सीट आएंगी, बट उन्होंने क्लियर कर दिया है। बट आगे पार्लियामेंट की बात आएगी, पार्लियामेंट में जब क्लियर हो जाएगा तभी वहां पर विधान परिषद बनेगा, बट हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट उसको भी हम डिटेल में देख लेंगे। टेक्निकली प्लीज जरा स्क्रीन को जूम कर दीजिए, कर्नाटका की बात कर लेते, तो भाई कर्नाटका की बात करें, ये आपको कर्नाटका दिख रहा है, गोवा के साथ महाराष्ट्र, जरा क्लॉकवाइज चलते, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, यह स्टेट है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड आते हैं जरा अपार्ट फ्रॉम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेशनल पार्क्स, डैम एंड सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड नागरहोल। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, एक लाइन में याद रखना है, अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ऑल नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन कर्नाटका। एंड भद्रा, दंदेली, ब्रह्मागिरी, मुकंबिका एंड भीमगढ़। अब मेरे से कोई पूछता सर कैसे याद करे, तो भाई मेरा तो सिर्फ कहना एक ही रहता है, कोशिश मत करिए ज्यादा याद करने की, कोशिश करिए सिर्फ इसको रटने की। रटने का मेरा मतलब क्या है कि एक लाइन में पढ़ने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की मतलब रटने की, यहां पर पढ़ने से मतलब ये नहीं कि पढ़कर निकल गए, ये रटना पड़ेगा बैठकर, और दो चार बार जब रट लेंगे ना एक लाइन में बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर किसी को आप लंबी चौड़ी बातें कहना स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन में कहते चले जाते हैं ना, तो वो कैसे याद रहती, क्योंकि आप उसे मन से कहते जाते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते सामने वाले के लिए, और अच्छी से अच्छी भी बातें और बुरी से बुरी भी बातें। उसी तरीके से इसको भी अपनी भावनाओं में बिल्कुल कह सकते हैं कि समाहित कर लीजिए, शुद्ध हिंदी बोलो, समाहित कर लीजिए, याद रहेंगी। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, एक लाइन में पढ़ना है, अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सारे नेशनल पार्क्स आपके कहां पर लोकेटेड है आपको याद रखना है भाई, कर्नाटका में स्थित है। एंड भद्रा, दंदेली, ब्रह्मागिरी, भद्रा, दंदेली, ब्रह्मागिरी, मुकंबिका, भीमगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी कर्नाटका। नेक्स्ट गाइस, तुंगभद्रा डैम जो कि तुंगभद्रा रिवर पे है, लिंगा नमक्की डैम जो कि सरावती रिवर पे है, एंड अलमत्ती डैम की बात करेंगे कृष्णा रिवर पे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो पूछा सिर्फ ये दोनों जाएगा किस रिवर पे, क्योंकि ये तो क्लियर होगा, ये तो सिर्फ इतना पूछेगा किस स्टेट में है। तुंगभद्रा डैम की बात करें कर्नाटका में, लिंगा नमक्की डैम भी कर्नाटका में, अलमत्ती डैम भी कर्नाटका में, बट रिवर की बात करेंगे तब ये नहीं पूछा रिवर, क्योंकि ये तो क्लियर आप टिक कर देंगे, लिंगा नमक की सरावती रिवर पे, और अलमत्ती डैम की बात करते हैं तो यह कृष्णा रिवर पे है। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी।